हेलो स्टूडेंट, आज थर्ड क्लास डोमिनेंट का लेने जा रहे हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम करवाने जा रहे हैं। दो क्लास थ्योरी करवा दिए, कुछ बच्चे क्वेश्चन बना रहे होंगे असाइनमेंट से या बनाएंगे, तो उसको ये सब क्वेश्चन का दिक्कत होगा जो आज बताने जा रहे हैं। वो टेक्निकल क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट और तार तार हो जाएगा। तो आइए जरा सा शुरू करते हैं। असाइनमेंट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ द 1:1 मैट्रिक्स -3 इज, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 3, सेकेंड ऑप्शन में -3, थर्ड ऑप्शन में 0 और फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दीज। अब जरा सोचिए, इससे क्लियर होता है ये जो मैट्रिक्स का फोटो आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स जो देख रहे हैं उसको डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो बताइए, मैट्रिक्स में -3 है तो आप जानते हैं सॉल्यूशन में या डिटरमिनेंट का मतलब मॉड जैसा। ले लिए, इसमें क्या डाल दिए, -3 डिटरमिनेंट हो गया, कैपिटल D=2 लिख लेते हैं -3। ऑर्डर क्या है इसका, 1:1 है। अब जरा सोचिए, अगर ये मॉड रहता तो हम आंसर क्या लिखते, 3, क्योंकि आप जानते हैं मॉड -3=3। लेकिन इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल बता रहे हैं, ताकि मॉड और डिटरमिनेंट, मॉड और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, ये जो डिटरमिनेंट है मॉड नहीं है। अगर मॉड रहता तो 3 आंसर आता, डिटरमिनेंट है तो क्या आंसर आएगा, -3। ओके, ऑप्शन नंबर B। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, 2 नंबर कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए 1:3:5 -5 इज, क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको डिटर्मिनेंट बना लीजिए आप। तो ले लिए डिटर्मिनेंट का फोटो, 1:3:5 एलिमेंट लिख दीजिए, सॉरी -5। अब आप बताइए, इसमें रॉ की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ रॉ 1 और नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1:3। और आपके चिन्ह बताए हुए स्टार पॉइंट में, इफ नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। तो आप बताइए, जब रॉ कॉलम बराबर होगा तब तो डिफाइंड होगा, यहां बराबर है नहीं है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब इस डिटर्मिनेंट का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, थर्ड नंबर में क्या है, कह रहा है इफ 2x 5 8x इज इक्वल टू 6 -2 7 3 फाइंड एक्स। तब देखिए क्या करते हैं, आपको जिस प्रकार सुपर फास्ट सिखाए थे हम डिटर्मिनेंट का, 2:2 वाले का क्रॉस याद होगा, तो क्रॉस कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीपल करिए, तो 2x × x क्या मिलेगा, 2x² 8 × 5 40, बीच में माइनस, यही बात यहां भी करना है क्रॉस, तो 6 × 3 18, 7 × -2 -14, बीच में माइनस, यहां हो गया आपका 2x² -40 = 18, माइनस माइनस प्लस, यानी 18 और 14 कितना हो गया, 32 ही ना होगा, 8 और 4 कितना, 2। तो चलिए भाई, 8 4 2 हो गया, बच गया 1 1 1 3, ऐड कर दीजिए 32। अब आप यहां लिखेंगे 2x² = ऐड कर दीजिए तो 72 होगा। अब ये 2 से कट अप कर दिए 36, तो x² = 36, तो बताइए x = क्या होगा यहां पर,
बोलिए रूट अंडर 36 प्लस माइनस, और प्लस माइनस रूट 36 का मान 6। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। कुछ बच्चे का ये कंफ्यूजन है, यहां पर रफ में बता रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 36 तो बच्चा लिखता है एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 36 और रूट 36 इज इक्वल टू लिखता है प्लस माइनस 6। तो आप देखिए आंसर तो दोनों का बेड़ा और आपका सेम आया, अगर इस टाइप से कोई बच्चा लिखता है तो, लेकिन ये रॉन्ग है। रॉन्ग कहां पर है वो बताने जा रहे हैं। जैसे बच्चा के दिमाग में इस जगह क्लियर हो रहा है कि रूट को हटाने पर क्या आता है, प्लस माइनस फॉर्म होता है। हम यहां बताने जा रहे हैं कि देखिए रूट हटाने पर तो सिर्फ 6 ही आया है, ये देखिए सिर्फ 6 ही, प्लस माइनस आया किसके कारण, स्क्वायर के कारण, मतलब स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तब जाके प्लस माइनस फॉर्म होगा। ये कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन का, अलजेब्रा का। क्लियर हो गया, यानी कहीं आपसे कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 5, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिखेंगे, रूट 5। गुड, यानी एक्स स्क्वायर को रिमूव किए तो क्या फॉर्म होता है लगता है यहां पर, प्लस माइनस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, 9 नंबर। नाइन नंबर में है 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 14, 1, 1। और सुनिए, अब इसमें एक नया चीज यहां पर आ गया आपको, C। तो आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे 11th में कि C मींस कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन मींस सेलेक्शन, सेलेक्ट करना। खैर उसको छोड़िए, हम आपको इसका सुपर फास्ट बताने जा रहे हैं, 11th में बताए थे फिर बताने जा रहे हैं। NC0 सुपर फास्ट सीखिए ऐसे, ये क्या है पढ़िए, ये है सी, और दिमाग में डालिए SEE, और सी मतलब होता है देखना, क्या होता है, आइए फिर से इसको पढ़ते हैं, सी, सी मतलब SEE और सी मतलब देखना, मतलब कहीं लिखा हुआ है NC1 तो बोलिए N को, बोलिए मेरे साथ N को एक बार, असी मतलब देखना, N को एक बार देखेंगे यानी N, और जो जितना बार देखे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, मतलब फैक्टोरियल 1 ही होता है तो N ही हुआ, लेकिन ऐसे प्रोसेस है। अब आइए कोई पूछा NC2 तो आप बोलिए N को दो बार देखेंगे, तो बताइए जब दो बार देखिएगा, एक बार n, एक बार n माइनस 1, तो n कितना बार आप देख लिए आंखों से, दो बार, अब बाय डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। इसी टाइप से NC3 कोई पूछा तो बोलिए n को तीन बार देखेंगे, n n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3। क्लियर हो गया, यहां जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120। अब इधर आ जाइए जरा सा, हाँ अब आपके मन में होगा NC0 क्या होगा, तो वही बात है, 0 एक बार, तो एक बार n, 0 मतलब मैंने देखा ही नहीं, तो 1 मतलब कोई n नहीं, सिर्फ 1। तो अब जरा सा ही यहां पर कोई आपसे पूछेगा कि 10C1 का क्या मान होगा, तो बोलेंगे आप 10 को एक बार देखेंगे यानी 10 बाई फैक्टोरियल 1 यानी 10। कोई पूछ दिया 10C2, 10 को दो बार देखेंगे, 10 10 माइनस 1, समझ रहे हैं ना, बाई फैक्टोरियल 2, तो 10 और 10 माइनस 1 क्या होता है 9 बाई 2। ओके, अब इसे कट कर लीजिए, 5 कितना मिला, 45। हो गया क्लियर। अब इस जगह पर हम लोगों को क्या चाहिए, ये ध्यान दीजिए, हमको चाहिए 5C0 का मान, या छोड़िए इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। देखिए
फाइव से जीरो, पांच को एक जीरो बार देखेंगे, यानी बताए थे हम फाइव सी वन फाइव को एक बार देखेंगे फाइव, फाइव सी टू फाइव को दो बार देखेंगे फाइव, अब फाइव माइनस वन क्या होता है फोर, अब बाई फैक्टोरियल टू बता दिए थे टू, फाइव सी थ्री। अब यहां एक और टेक्निक बताते हैं, फाइव सी थ्री में फाइव में थ्री को घटा दीजिए कितना मिला टू, यानी फाइव सी थ्री का मान फाइव सी टू के बराबर होगा, फाइव में फोर को सब्ट्रैक्ट करिए कितना मिला वन, फाइव सी वन के बराबर होगा, फाइव में फाइव को सब्ट्रैक्ट करिए कितना मिला जीरो, जीरो के बराबर होगा। ओके अब यहां हो गया फोर्टीन, यहां वन, यहां कितना वन। अब देखिए जरा सा, फिर ये वन यहां फाइव, यहां पर कट करेंगे टू से तो मिलेगा टेन, और एक चीज माइंड करिए कि फाइव से टू का मान क्या आया है इस जगह टेन, तो यहां भी फाइव से टू का मान टेन ही आएगा। फिर फाइव सी वन का मान इस जगह क्या लिखे देखिए फाइव, तो फाइव ही होगा, चाहे वैसे भी कर सकते हैं फाइव सी वन पांच को एक बार तो फाइव, फाइव सी जीरो एक बार भी नहीं तो वन। ये हो गया फोर्टीन, ये हो गया वन, ये हो गया वन। अब तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, अब तो आप इसको बना लेंगे आराम से, तो इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं कि मन है बड़े ब्रेक ही कर दें, तो लीजिए ब्रेक ही कर देते हैं। लीजिए हम लोग बताए थे ऑर्डर थ्री इंटू थ्री है, तो एक्सपेंड करने के लिए तीन एलिमेंट लेंगे, थ्री एलिमेंट मान लिया ही पसंद कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिए वन, वन का साइन प्लस, ऐसे ऐसे खींचेंगे, यहाँ जो हम लोग को मिला डायरेक्ट कर देते हैं फाइव माइनस वन कितना फोर, फिर इसके बाद माइनस टेन लेंगे, माइनस टेन में फिर ऐसे ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा फाइव माइनस टेन माइनस फाइव। फिर अब लिए क्या छे फोर्टीन, प्लस फोर्टीन ले लिए तो प्लस फोर्टीन में फिर प्लस का चिन्ह खींचेंगे तो कितना मिला बोलिए फाइव, और माइनस फिफ्टी तो माइनस फोर्टी फाइव। क्रॉस कर दिए फाइव, यहां हो गया फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो गया आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं 11 नंबर, 9 नंबर हो गया अब 11 नंबर। वैसा वैसा क्वेश्चन को खुद हम चूज कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं जो आपको समस्या कर सकता है या जिसमें आपको लगेगा कि सर फंस गए। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए, कहता है कि i टू दी पावर m, i पर पावर m प्लस वन, i पर पावर m प्लस टू, i पर पावर m प्लस फाइव, m प्लस फोर, m प्लस थ्री, m प्लस सिक्स, m प्लस सेवन, m प्लस एट। बोला द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए। तो देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले i पर पावर क्या लिखा हुआ है m, m प्लस वन को हम लोग बताइए लिख सकते हैं i पर पावर m इंटू आई, क्योंकि आप जानते हैं कि बेस बराबर होगा तो पावर जुटेगा नहीं, अलग अलग कर दिए। इसी टाइप से यहां पर i टू दी पावर m आई स्क्वायर, फिर यहां i टू दी पावर m आई फाइव, फिर यहां i टू दी पावर m आई फोर, फिर यहां i टू दी पावर m आई थ्री, फिर यहां i टू दी पावर m आई सिक्स, फिर यहां i टू दी पावर m आई सेवन, i टू दी पावर m आई एट। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से आई एम, आई एम मतलब आई पर पावर एम कॉमन ले लेते हैं, ले लिए यहां, फिर आई पर पावर एम कॉमन ले लेते हैं आर टू से, फिर आर थ्री से कॉमन ले लेते हैं। ओके जब हम कॉमन ले लिए तो बताइए क्या बचेगा, यहां वन इस जगह आई, यहां आई स्क्वायर, यहां i टू दी पावर फाइव, यहां i पर पावर फोर, यहां i थ्री, यहां
आई पर पावर सिक्स, यहां आई टू दी पावर सेवन, आई टू दी पावर एट। अब जो है इसके बाद आप देखिए आई का पावर एम का क्यूब कर दीजिए आप, और यहां एक आई क्या है, आयोटा, इमेजिनरी नंबर। तो चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम बताए थे आपको कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। एक सुपर फास्ट ही बताए थे कि फोर से डिवाइड करेंगे, एक मास सुपर फास्ट ही बताए थे, हम उतना आगे जाएंगे तो पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए हम। तो यहीं पर आपको हम केयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां क्या है वन, यहां क्या है आई, आई स्क्वायर बराबर बता दिए माइनस वन। अब यहां क्या है बताइए, आई फोर, सॉरी आई फाइव, तो दिमाग लगाइए आई फाइव जो है उसको हम लोग फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वन, यानी मिलेगा आई, क्योंकि आई टू दी पावर फोर इज इक्वल टू क्या होता है वन। फिर बताइए आई टू दी पावर फोर वन, आई थ्री माइनस आई, आई सिक्स है फोर से डिवाइड करिए कितना बचा टू, यानी आई स्क्वायर माइनस वन, आई सेवन फोर से डिवाइड करिए कितना बचा थ्री, आई थ्री इक्वल टू माइनस आई, एट फोर से डिवाइड करिए जीरो यानी वन। अब इसको आप सिंपल एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आइए सिंपल एक्सपेंड कर दिए, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर है तो तीन को पसंद कर लीजिए। अभी हमने क्या लिखा है वन, वन का साइन प्लस, दिस क्रॉस करिए कितना मिलेगा वन इंटू वन वन, माइनस आई प्लस आई, अब बीच में माइनस, फिर इसके बाद आई लिए आई का साइन माइनस, फिर प्लस का चिन्ह खींच दी कितना मिलेगा आई, यहां से गुना करिए तो हो गया फिर आई बीच में माइनस, फिर यहां क्या लिखा हुआ है चला माइनस वन था ना तो माइनस वन ले लीजिए। अब यहां से फिर माइनस वन लेने के बाद क्या करेंगे, गुना करिए माइनस आई आई माइनस आई स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन। अब इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर यहां ब्रैकेट ले लीजिए ताकि आई टू दी पावर थ्री जो है सम में मल्टीपल है, आई टू दी पावर थ्री एम ने तो कर दीजिए। अब यहां हो गया वन माइनस आई, यहां हो गया माइनस आई स्क्वायर, या ऐसा करिए आई में से आई जीरो हो गया, ये पार्ट को नेग्लेक्ट कर दीजिए माइनस। अब यहां माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर और माइनस वन, तो हो गया आई टू दी पावर थ्री एम, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गया कितना बचा मेरे पास माइनस आई माइनस वन, यही हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं प्लस माइनस दिखे तो आप ठीक भी कर सकते हैं। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर आप समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के बाद अब आपको हम 12 नंबर बताने जा रहे हैं। देखिए 12 नंबर क्या है, 12 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ बच्चा को देखने से ही डर हो जाएगा कि गुरुजी तो गजब टाइप का क्वेश्चन है। चार जीरो, फिर यहां टू टू ट्रिपल जीरो, फिर यहां फोर फोर थ्री डबल जीरो, फिर यहां फाइव 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 फोर जीरो, सिक्स 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 फाइव। अब जो है पूछा जा रहा है क्या रिजल्ट होगा, तो देखिए इसका हम सुपर फास्ट पहले आपको बता देते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन हो
जिसमें ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं आप ऐसे करके रिपीट भी हो रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लेंगे मल्टीपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या बोले हम? मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल जितना एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी फाइनली फैक्टोरियल 5, यानी फाइनली क्या आंसर 1.8। बस अब आपके मन में होगा गुरु जी कैसे हुआ ये, तो आइए हम लॉन्ग में बताते हैं सॉल्यूशन। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कितना है 5 × 5 का एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट हम पसंद करेंगे यहां पर बताइए, हम एलिमेंट पसंद करेंगे यहां पर कितना, 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट हम इधर से लेते हैं आपको, तो पता क्या चला, देख रहे हैं ना, अगर 5 एलिमेंट लिए तो पता क्या चला हमको कि 4 एलिमेंट तो 0 ही है, सिर्फ 1 से ले लेंगे काम चल जाएंगे, तो 1 का साइन ले लिए प्लस, ऐसे खींच लिए, देख लिए कितना बचा 2 0 0 0, 4 3 0 0, 5 5 4 0, 6 6 6 5। तो आपने देखा कि जो 5 × 5 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 4 × 4 में। अब फिर इसको 4 एलिमेंट पसंद करिए, इधर से पसंद करिए, तो 3 तो 0 ही हो गया, यानी किसे लेना है 2 से, फिर ऐसे प्लस का चिन्ह खींच लीजिए, तो क्या मिला बताइए 3 0 0, समझ रहे ना, 5 4 0, 6 6 5, फिर कन्वर्ट हो गया 3 × 3 में। अगली बार फिर हम लोग पसंद करेंगे 3 एलिमेंट ऐसे, 3 से लिए तब मिला 4 0 6 5। अब आप बताइए 1 2 3, और इसमें तो जान ही रहे क्रॉस करना है, क्रॉस किए तो क्या हो गया 4 × 5 − 0, तो 1 2 3 4 5 = 120। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन हम आपको लास्ट बताने जा रहे हैं लॉग का, लॉग वाला एक क्वेश्चन है, तो लॉग वाला में कुछ करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम हिंट देते हैं प्रॉपर्टी का, कि तो कुछ भूल गए होइएगा आप लोग, जैसे कहीं लिखा रहा लॉग ए बेस बी, तो आप इसको लिख लेंगे लॉग ए बाय लॉग बी, इसी पर सारा काम आपका हो जाएगा। अब अगर कहीं लिखा रहा लॉग एम टू दी पावर एन, तो आप लिख लेंगे एन लॉग एम। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है लॉग 9 बेस 2, तो पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए log 9 बाय log 2, अलग अलग कर दिए, अगली बार 9 को लिखिए 3 का स्क्वायर बाय log 2। अब जो ये पावर मल्टीपल में आ गया 2 log 3 बाय log 2, अब यहां 2 तो 2, जब ध्यान दीजिएगा इसको, जब अलग अलग को एक लॉग लिख सकते हैं तो लॉग 3 लॉग 2 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 बेस 2। बस इसी फंडा से लॉग वाले पर आप काम करेंगे, सारा का सारा लॉग वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सेवा हम दंड कर रहे हैं, और अगले दिन हम लेके आएंगे इंपोर्टेंट क्लास ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब फोर्थ क्लास डिटरमिनेंट का जो होगा वो ऑपरेशन होगा, हम आज ही का क्लास बोले थे ऑपरेशन होगा, लेकिन हमको लगा कि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं बना है, तो हमको लगा कि पार्टिकुलर कोई बच्चा को अगर हम भेजते हैं क्वेश्चन बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से, तो एक बच्चा को बेनिफिट होता है, क्यों नहीं उसका एक क्लास ले लिया जाए, ताकि जो ही बच्चा को दिक्कत होगा सारा क्लियर हो जाएगा। यही सोच के हम आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेके आए, और अगले दिन हम एक क्लास आपका लेके आएंगे, फोर्थ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर के साथ पढ़िएगा, जिसका नाम है ऑपरेशन और डिटरमिनेंट। सुनते हैं कहीं भी ऑपरेशन होता है तो हम लोग कंसस हो जाते हैं, इसी टाइप से यहाँ डिटरमिनेंट का ऑपरेशन है, यहाँ भी कंसस होने की जरूरत है, तो अगले दिन हम आएंगे ऑपरेशन और डिटरमिनेंट फोर्थ लेक्चर लेकर के, ओके।